वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं चार इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। पहली इन्फॉर्मेशन ये है कि यूट्यूब के अलावा किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम नहीं है, लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड फेसबुक। सेकंड इन्फॉर्मेशन ये है कि आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, काफी लोगों ने फेक बना के रखा हुआ है, तो आप लोग कभी भी सर्च करके ज्वाइन मत करिए, हमेशा यूट्यूब के वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन करिए। थर्ड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि हमारी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है। कुछ हमारे ही स्टूडेंट, कुछ अदर लोग हमारा नाम यूज करते हैं, वो स्कैम करते हैं, बाकी बाद में लोग हमसे सीखने के लिए आते हैं, वो हमें बताते हैं। तो हमारी कोई भी ऑफलाइन क्लासेस नहीं है, हमारी ओनली ऑनलाइन क्लासेस है, उन स्कैम में आप मत फंसिए। फोर्थ इन्फॉर्मेशन ये कि हम जो भी टेस्ट देते हैं उसको प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करके एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके आप ट्रेड करिए। हमारा प्योर मोटिव प्योर एजुकेशन प्रोवाइड करना। थैंक यू। वीडियो शुरू करते हैं। निफ्टी का हम एनालिसिस करते हैं एंड कल के लिए बिहेवियर समझते हैं एंड रेगुलर बेसिस पे निफ्टी में क्या हो रहा है। कल का दिन अगर छोड़ दो तो उसके बाद जिधर खुल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है। मींस आप मार्केट अगर 30 मिनट में देखोगे तो पहले 30 मिनट के अंदर इसके हाई के पास ही रहा एंड एंड में बीच में क्लोजिंग कहीं मार्केट मूव नहीं किया। 30 मिनट का आप लास्ट कुछ दिनों का चार्ट देखेंगे तो एंड ऑफ द डे क्लोजिंग कोई अच्छी नहीं, वही के वही क्लोजिंग आ जाती है। देखिए जहां आपका मार्केट पहले 30 मिनट की होती कैंडल होती है उसके आसपास या थोड़ा ऊपर नीचे क्लोजिंग आ जाती है। क्लियर है? अभी रिसेंटली ऐसा ही हो रहा है। इसके बारे में डिटेल में हमने बात करी थी, वो वीडियो रिकॉर्ड भी किया था, फ्राइडे को पब्लिश करेंगे तो सब लोग एक बार रिपीट कर लेना एंड जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए काफी हेल्प करेगा, आपको तो खैर आता ही है। तो अगर निफ्टी का हम एनालिसिस करें तो हम सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मंथली के चार्ट में देखेंगे क्योंकि डेली का एनालिसिस करना है। तो मंथली के अंदर निफ्टी पॉजिटिव है कंप्लीटली, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है। उसमें आपको उतना ज्यादा समझ में आएगा नहीं बिकॉज ऑफ क्या, कैंडल के अंदर कैंडल है भाई, ये कैंडल थोड़ी नीचे भी आ सकती है ऊपर भी जा सकती है। तो आप डे ट्रेड करो तो कल के लिए डे ट्रेड के लिए हम कैसे देखें निफ्टी को, तो थोड़ा वीकली में जाते हैं। वीकली में क्या है, तो वीकली के अंदर प्राइस 2 वीक थोड़ा बॉटम पे डिमांड जोन से प्राइस उठा है। कहने का मतलब अभी इसराइल एंड वो आपका फिलिस्तीन की जो लड़ाई हो रही है एंड रशिया यूक्रेन की भी हुई थी, तो मार्केट अपने जोन्स पे चलता है, अपने फंडामेंटल्स पे चलता है। अगर आपका मार्केट डिमांड जोन में है एंड कुछ दूसरी चीज नेगेटिव न्यूज आ गई तो न्यूज डिस्काउंटेड होती है, मार्केट ऊपर ही जाना है। मार्केट पॉजिटिव न्यूज आ गई एंड मार्केट सप्लाई में है, कितनी भी पॉजिटिव न्यूज हो एंड मार्केट का एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है तो मार्केट गिरेगा। ये बात को आप समझ लीजिए, हमेशा इतने सालों से मैं तो यही देखता आ रहा हूं, समझ में। अगर मार्केट जोन में है, डिमांड में है और नेगेटिव न्यूज है तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। वो एक दिन के लिए थोड़ा नेगेटिव असर दिख सकता है, मतलब एक दिन के लिए गैप डाउन खुल जाएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा। वो ही हुआ था मार्केट के अंदर। ये देखिए अगर मैं डेली कैंडल को दिखाऊं तो ये वाला जो कैंडल बनी थी वो यही था कि मार्केट प्रॉपर डिमांड जोन में था, प्राइस यहां से ऊपर गया था, ये इसका फॉलो हुआ, अब तो ये अच्छा ऊपर जा रहा है। क्लियर है? इतना समझ में आ रहा सभी को, ठीक है। तो कल के लिए अगर डेली कैंडल को देखेंगे तो जहां पे करंट मार्केट प्राइस है यहां पे क्लोज हुआ है एंड कल क्या है, वीकली एक्सपायरी भी है, तो ऊपर की साइड एंड नीचे की साइड मींस अगर आप देखोगे डेली कैंडल पे देखोगे तो ऊपर की साइड सप्लाई दूर दूर तक नहीं है। कहने का मतलब 19980 से तक नहीं है। अगर मार्केट कल मूव किया तो ट्रेंडिंग डे हो सकता है एंड नीचे की साइड डिमांड अगर देखोगे एक्सेप्शनल मार्किंग है ये वाली। सबको समझ में आ रहा है? डेली कैंडल के अकॉर्डिंग देखना है। मींस कहने का मतलब अगर मार्केट यहां से मूव करता है, फॉलो बाइंग यहां पे होती है तो एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। अगर इस कैंडल के अंदर यहीं पे रह गया तो आपका साइडवेज हो जाएगा ऊपर नीचे। डेली कैंडल हमें ये सजेस्ट कर रही है। क्लियर है? अगर आपका इस क्लोजिंग के ऊपर सस्टेन होता है, ब्रेकआउट होता है तो मार्केट अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। डेली कैंडल आपको ये सजेस्ट कर रही है, बट इसको और डिटेल में अगर जानोगे क्योंकि अभी तो बाइंग प्रेशर है तो आपको बेस्ट जो सजेस्ट करेगा वो 4 hour 125 minutes करेगा। तो 4 hour में कोई सप्लाई नहीं है, 4 hour में अगर देखोगे तो नियर बाय सप्लाई ये है आपकी रुकने का, 19900 का लेवल आपका रुकने का। अगर आपका मार्केट पहले गैप अप खुल जाए तो आप बिल्कुल बाय मत करिए, नीचे आएगा तब करेंगे। ये जितने भी गैप बने ना, अभी ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, मार्केट जब गिरेगा तो पहले एक गैप फिल करेगा, ये ध्यान में रखिए। 125 मिनट में देखें तो 125 मिनट में पहला सप्लाई नियर बाय यही है। अगर वीक टू वीक मार्क करेंगे तो आपका 880 पे आता है एंड बॉडी टू वीक मार्क करेंगे तो आपका 19910 पे आता है। ये 30 पॉइंट की रेंज है, यहाँ पे कहीं भी मार्केट मूव कर सकता है ऊपर की साइड। ये मान लीजिए गैप डाउन गैप अप खुल गया या नॉर्मल ओपनिंग होती है तो ये आपका एक डिमांड जोन हो गया। क्या हो गया? कल के लिए 3 रेंज, क्लियर है? ये डिमांड जोन हो गया। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है ऊपर की साइड रेजिस्टेंस लेता है तो ये डिमांड जोन हो गया। तीनों बेस्ट लेवल है, कहां पे ट्रेड करना है वो मैं बता रहा हूं। क्लियर है? अब इसी चार्ट को 30 मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, 30 मिनट में कन्वर्ट कर देंगे तो ये डिमांड जोन को रीएडजस्ट किया तो आपका ये लेवल आ गया एंड ऊपर की साइड अगर रीएडजस्ट करेंगे तो आपका ये वाला लेवल आ गया। कौन सा?
ये वाला, क्लियर है? एंड ऊपर के इस साइड अगर देखेंगे तो कौन सा लेवल है नियरेस्ट, नियरेस्ट आपका ये वाला है। बट इसके ऊपर एक भी तो, एक और भी तो है, क्या है ये है। एंड इससे ऊपर एक और भी तो है डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो ये तीन हो गए ना, नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री, इसको हम बोलते हैं एलओटीएल, लेवल ऑफ द लेवल। तो नॉर्मली सेकंड को ब्रेक, फर्स्ट को ब्रेक करके सेकंड से मार्केट रिएक्ट करता है, ठीक है? तो सेल करें तो ध्यान से सेल करना, ऐसे करना नहीं है। अब देखते हैं ऊपर का, तो मैंने आपको समझा दिया। अब मार्केट की ओपनिंग, अगर नॉर्मल ओपनिंग होती है यहाँ पे और मार्केट इस साइड ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की साइड 100 पॉइंट जाने के लिए अच्छी खासी जगह है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है एंड फॉलो अप सेलिंग आती है तो नीचे की साइड 150 पॉइंट की जगह है जाने के लिए, क्लियर है? अगर इन दोनों के बीच में गैप डाउन ओपनिंग हो जाए, मीन्स गैप डाउन ओपनिंग बीचों बीच खुले, ठीक है, तो पहले जिस डायरेक्शन, जिस साइड में जाएगा उस डायरेक्शन में फिर सेल करेंगे, अगर नीचे जाएगा तो हम बाई करेंगे। सेम अगर ऊपर बीचों बीच खुल जाए तो नीचे आएगा तो हम बाई करेंगे एंड ऊपर जाएगा तो हम सेल करेंगे, बीचों बीच ट्रेड नहीं करेंगे। इतना ही सिंपल है, कल के लिए ऐसा ही होगा, मैं अभी डिलीट नहीं कर रहा।